अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं वकार क्रिकेट शो। आपके साथ अहम तरीन अपडेट्स शेयर करने जा रहा हूं। दौरा नीदरलैंड के लिए पाकिस्तान का एक और बड़ा खिलाड़ी पाकिस्तान के स्क्वाड का हिस्सा बनने जा रहा है। कौन है खिलाड़ी, तो उसके हवाले से आपके साथ अपडेट शेयर करूंगा। और इसके अलावा एक और बड़ी लीग का शेड्यूल जो है वो जारी कर दिया गया है, और शेड्यूल जो है क्या है आगे चल के आपके साथ शेयर करूंगा। और इस लीग के अंदर पाकिस्तान के 3 खिलाड़ी आपको एक्शन में नजर आएंगे। तो मुकम्मल तफसील से आपके साथ ये तमाम अपडेट शेयर करने जा रहा हूँ। तो जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान की टीम ने दौरा करना है नीदरलैंड का, और 11 अगस्त को पाकिस्तान की टीम उड़ान भरेगी नीदरलैंड के लिए। 16 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक 3 ओडीआई मैचेस की सीरीज खेलनी है पाकिस्तान की टीम ने। फिर अगला जुमरा होगा वो होगा एशिया कप 2022 पाकिस्तान टीम के लिए। बरहाल पाकिस्तान टीम के स्क्वाड का अनाउंसमेंट अगले हफ्ते होनी है, और एक बड़ा खिलाड़ी शाहीन शाह अफरीदी की जगह पाकिस्तान टीम में एंट्री मारने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, नसीम शाह के हवाले से कुछ अंदरूनी खबरें निकल कर सामने आए कि नसीम शाह को पाकिस्तान के ओडीआई स्क्वाड का हिस्सा बनाया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये एक न्यूज़ है। और इसके अलावा नसीम शाह से जुड़ी एक और बड़ी न्यूज़ है। अब देखना होगा कि नसीम शाह का बनेगा क्या। जी हाँ दोस्तों, नसीम शाह को शाहीन शाह अफरीदी की जगह अगर ओडीआई स्क्वाड में हिस्सा बनाया जाता है। इसके अलावा जो अगली लीग शुरू हो रही है, जिसका आगाज होना है 3 अगस्त से, जो दी 100 टूर्नामेंट जो है शुरू होने जा रहा है, तो उसमें फिर नसीम शाह को आपको पता है खेलना है कि पाकिस्तान के 3 खिलाड़ी खेल रहे हैं, जिसमें वहाब रियाज, मोहम्मद हसनैन और नसीम शाह दी 100 टूर्नामेंट का हिस्सा होंगे। तो फिर नसीम शाह जो है लीग के बाद फौरन फिर पाकिस्तान टीम को ज्वाइन करेंगे 16 अगस्त को। ये देखना होगा कि नसीम शाह को फिर पाकिस्तान के स्क्वाड में जो है शामिल किया जाता है या नहीं। बरहाल अंदरूनी खबरें आ रही हैं कि नसीम शाह पाकिस्तान के स्क्वाड का हिस्सा बनने जा रहा है। अगर आपको वीडियो चले गए तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब प्लीज कर।